national anthem of India. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देवियों और सज्जनों, हमारे लिए अपार हर्ष का विषय है कि हमारे बीच हमारे माननीय प्रधानमंत्री उपस्थित हैं। मैं उनसे विनम्र आग्रह करूंगा कि वह अपने विचारों को हमारे साथ साझा करें। आप सबसे प्रार्थना है, अपना स्थान लीजिए। जापान में रहने वाले भारत के दोस्तों और बड़ी संख्या में यहाँ पधारे भारतीय समुदाय के मेरे सभी साथियों, आप सबको नमस्कार। कोन्निचीवा। मैं सोच रहा था कि मुझे कोबे क्यों ले जा रहे हैं। इतनी बार आया हूँ, इतने सारे चेहरे हैं, मैंने कहा आज मुझे क्यों ले जा रहे हो, कौन आएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पहले से आपका उत्साह बढ़ ही रहा है। आपके इस प्यार के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। करीब 7 महीने बाद एक बार फिर मुझे जापान की धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। पिछली बार भी यहाँ बसे आप सभी साथियों से और जापानी दोस्तों से संवाद का अवसर मिला था। ये संयोग ही है कि पिछले वर्ष जब मैं यहाँ आया था, तब मेरे प्रिय मित्र सिंजो आबेशान का चुनाव नतीजे आ चुके थे और आप सभी ने उन पर विश्वास जताया था। और आज जब मैं आपके बीच हूं, तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने इस प्रधान सेवक पर पहले से भी ज्यादा अधिक विश्वास अधिक प्यार जताया है। मुझे पता है कि आप में से भी अनेक साथियों का इस जनमत में योगदान रहा है। किसी ने भारत आकर के प्रत्यक्ष काम किया, मेहनत की, 40-45 डिग्री टेम्परेचर में काम करते रहे। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर, फेसबुक, नरेंद्र मोदी ऐप, जो भी जगह से जो भी बात कह सकते हैं पहुंचाने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने अपने गांव में अपने पुराने दोस्तों को चिट्ठियां लिखी, ईमेल भेजे, यानी आपने भी एक प्रकार से किसी न किसी रूप में
भारत के इस लोकतंत्र के उत्सव को और अधिक ताकतवर बनाया और अधिक प्राणवान बनाया और इसके लिए भी आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, 130 करोड़ भारतीयों ने पहले से भी मजबूत सरकार बनाई है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है और तीन दशक बाद पहली बार लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। भारत जिला विषय और देश उसमें ये सिद्धि सामान्य नहीं है और वैसे तो 1984 में भी लगातार दूसरी बार एक पार्टी की सरकार बनी थी लेकिन उस समय के हालात आपको मालूम है, कारण क्या थे वो भी पता है, लोग वोट क्यों करने गए थे वो भी पता है और इसलिए मैं उसका वर्णन नहीं करता हूं। लेकिन ये बात सही है कि 1971 के बाद देश ने पहली बार एक सरकार को प्रो इनकम्बेंसी जनादेश दिया है। साथियों, जो प्रचंड जनादेश भारत ने दिया है, आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? तो ये जीत किसकी है? किसकी जीत है? जब मैं आपसे जवाब सुनता हूं इतना आनंद आता है कि सच्चाई की जीत है, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की जीत है। भारत के मन को आप जपन में बैठ करके भी भली भांति समझ पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। उनके एस्पिरेशंस और आपके एस्पिरेशंस के बीच में कोई फर्क महसूस नहीं होता है, तब जाकर के जवाब आपके मुंह से सुनने का अवसर मिलता है और तब मन को बहुत संतोष होता है कि हम सही दिशा में हैं। कभी कभी स्टेडियम में हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो बाद में पता चलता है कि आउट कैसे हुआ, बॉल कहां से कहां गया था, लेकिन जो घर में टीवी पर देखता है, दूर से देखता है, उसको तुरंत पता चलता है कि वेवलेंथ में गड़बड़ है इसलिए आउट। और इसलिए आप इतने दूर बैठकर जो हिंदुस्तान को देखते हैं तो सत्य पकड़ने की ताकत आपकी ज्यादा है। और इसलिए भी आपके जवाब सच्चाई की जीत, लोकतंत्र की जीत, देशवासियों की जीत मेरे लिए जवाब बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं, मुझे एक नई ताकत देते हैं, नई प्रेरणा देते हैं और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज के प्रति समर्पित रहते हुए, आशाओं और आकांक्षाओं के प्रति विश्वास इस जीत के पीछे भी एक कारण है। और कल्पना कीजिए, 61 करोड़ वोटर्स ने 40-45 डिग्री टेम्परेचर में अपने घर से कहीं दूर जाकर के वोट किया है। 61 करोड़, अगर चाइना को छोड़ दें तो दुनिया के किसी देश की पॉपुलेशन से ज्यादा मतदाता है ये। और भारत में लोकतंत्र की विशालता, व्यापकता, उसका भी अंदाज 10 लाख पोलिंग स्टेशंस, मोर देन 40 लाख
ईवीएम मशीन, मोर देन 600 पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव थी, चुनाव में भागीदार थी, और मोर देन 8000 कैंडिडेट्स, कितना बड़ा उत्सव होगा लोकतंत्र का। मानवता के इतिहास में इससे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव नहीं हुआ है, और हर भारतीय को इस बात का गर्व होना चाहिए। भविष्य में भी इस रिकॉर्ड को अगर कोई तोड़ेगा, इस रिकॉर्ड को अगर कोई बेहतर बनाएगा, तो वो हक भी हिंदुस्तान के हाथ में ही है। एक प्रकार से इसका कॉपीराइट भारत के पास है। भारतीय होने के नाते हम सभी को, भारत के शुभचिंतकों को, तो इस पर गर्व है ही, पूरे विश्व को भी ये प्रेरित करने वाला है। इससे फिर साबित हुआ है कि लोकतंत्र के प्रति भारत के सामान्य जन की निष्ठा अटूट है। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं और लोकतांत्रिक प्रणाली दुनिया में अग्रणी है। साथियों, भारत की यही शक्ति 21वीं सदी के विश्व को नई उम्मीद देने वाली है। ये चुनाव, उसका प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित रहने वाले नहीं है, विश्व के लोकतांत्रिक मन को ये प्रेरित करने वाली घटना है। न्यू इंडिया की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये जनादेश मिला है, और ये आदेश पूरे विश्व के साथ हमारे संबंधों को भी नई ऊर्जा देगा। अब दुनिया भारत के साथ जब बात करेगी तो उसको विश्वास है, हाँ भाई, ये जनता जनार्दन, इन्होंने इस सरकार को चुना है, पूर्ण बहुमत के साथ चुना है, और इनके साथ जो कुछ भी तय करेंगे ये आगे ले जाएंगे, विश्वास अपने आप पैदा होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पूर्ण बहुमत वाली सरकार होने बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन पूर्ण बहुमत वाली सरकार में भी पहले से अधिक जनमत जब जुड़ता है तो वो शक्ति तो बढ़ती है, लेकिन उससे ज्यादा विश्वास बढ़ता है। सबका साथ, सबका विकास, और उसमें लोगों ने अमृत मिलाया, सबका विश्वास। इसी मंत्र पर हम चल रहे हैं, वो भारत पर दुनिया के विश्वास को भी और मजबूत करेगा और विश्व को आश्वस्त करेगा। ये मैं अनुभव कर रहा हूं, ये विश्व को आश्वस्त करेगा। साथियों, जब दुनिया के साथ भारत के रिश्तों की बात आती है तो जापान को उसमें एक अहम स्थान है। ये रिश्ते आज के नहीं है, बल्कि सदियों के हैं। इनके मूल में आत्मीयता है, सद्भावना है, एक दूसरे की संस्कृति और सभ्यता के लिए सम्मान है। इन रिश्तों की एक कड़ी महात्मा गांधी जी से भी जुड़ती है। संयोग से ये पूज्य बापू की 150वीं जन्म जयंती का भी वर्ष है। गांधी जी कि एक सीख बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, समझते आए हैं, और वो सीख थी, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। भारत का बच्चा बच्चा इसे भली भांति जानता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है
कि जिन तीन बंदरों को इस संदेश के लिए बापू ने चुना, उनका जन्मदाता 17वीं सदी का जापान है, 17th सेंचुरी का जापान है। मिझारू, किकाजारू और इवाजारू, जापान की धरोहर है, जिनको पूज्य बापू ने एक महान सामाजिक संदेश के लिए प्रतीकात्मक के रूप में चुना और उसको प्रचारित किया, प्रसारित किया। साथियों, हमारे आचार व्यवहार और संस्कार की एक कड़ी जापान में बौद्ध धर्म के आने से भी पहले की बताई जाती है। अभी अगले महीने क्योटो में गियोन त्योहार आने वाला है और इस गियोन त्योहार में जिस रथ का उपयोग होता है उसकी सजावट भारतीय रेशम के धागों से होती है और यह परंपरा आज की नहीं है, अनगिनत काल से चली आ रही है। इसी तरह सिची फुकू जिन, सेवन गॉड्स ऑफ फॉर्च्यून, उन सेवन गॉड में से चार का संबंध सीधा सीधा भारत से है। मां सरस्वती की बेंजाइतेन, मां लक्ष्मी की किची ज्योतेन, भगवान कुबेर की विशामोन और महाकाल की दाइको कुतेन के रूप में जापान में मान्यता है। साथियों, फैब्रिक प्रिंटिंग के जो शिबोरी आर्ट भारत और जापान के रिश्तों का एक बहुत पुराना, एक प्रकार से ताना बाना है, सूत्र है। गुजरात के कच्छ और जामनगर में सदियों से बांधनी, जिसको कहते हैं बंधानी, कोई बोलते हैं कोई बांधनी बोलता है, उसके कलाकार इस कला में उसी रेसिस टेक्निक का उपयोग करते हैं जो यहां भी सदियों से इस्तेमाल है। यानी जापान में उस काम को करने वाले लोग और कच्छ में और जामनगर में करने वाले, आपको ऐसे ही लगेगा आप जापान में है और जापान वाले वहां जाएंगे लगेगा गुजरात में है। इतनी सिमिलैरिटी है। इतना ही नहीं, हमारे बोलचाल के भी कुछ सूत्र हैं जो हमें जोड़ते हैं, जिसे भारत में ध्यान कहा जाता है उसे जापान में जेन कहा जाता है, और जिसे भारत में सेवा कहा जाता है उसे जापान में भी सेवा ही कहा जाता है। सेवा परमो धर्म, यानी निस्वार्थ सेवा को भारतीय दर्शन में सबसे बड़ा धर्म माना गया है। वहीं जापान के समाज ने इसको जी करके दिखाया है। साथियों, स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जस्टिस राधा विनोद पाल सहित अनेक भारतीयों ने जापान के साथ हमारे रिश्तों को मजबूत किया है। जापान में भी भारत और भारतीयों के लिए प्यार और सम्मान का भाव रहा है। इसी का परिणाम था कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से ही भारत जापान के बीच के रिश्ते
और मजबूत होने लगे। लगभग दो दशक पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और प्रधानमंत्री योशिरो मोरी जी ने मिलकर हमारे रिश्तों को ग्लोबल पार्टनरशिप का रूप दिया था। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे मेरे मित्र प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ मिलकर इस दोस्ती को मजबूत करने का मौका मिला। हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को राजधानियों और राजनयिकों की औपचारिकताओं के दायरे से बाहर निकालकर सीधे जनता के बीच ले गए। प्रधानमंत्री आबे के साथ मैंने टोक्यो के अलावा क्योटो, ओसाका, कोबे, यामानाशी इसकी यात्राएं भी की थी। यहां कोबे तो मैं कभी कभी गलती हो जाती, कभी कहता हूं चार बार, कभी कहता हूं पांच बार, कभी कहता हूं तीन बार, लेकिन बार बार आया हूं। और पीएम नहीं था तब भी आता था, आपके साथ बैठता था। प्रधानमंत्री आबे जी ने पिछले वर्ष यामानाशी में अपने घर में उन्होंने मेरा स्वागत किया। उनका ये स्पेशल जेस्चर हर हिंदुस्तानी के दिल को छूने वाली बात थी, वरना डिप्लोमेटिक रिलेशन में इस प्रकार का पर्सनल टच बहुत कम होता है। दिल्ली के अलावा अहमदाबाद और वाराणसी प्रधान आबे को, मेरे मित्र को ले जाने का सौभाग्य मुझे मिला। प्रधानमंत्री आबे मेरे संसदीय क्षेत्र और दुनिया की सबसे पुरानी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी में से एक काशी में गंगा आरती में भी शामिल हुए और सिर्फ शामिल हुए नहीं, उनको जब भी जहां पर कुछ भी बोलने का मौका आया उस आरती के समय उन्होंने जो अध्यात्म की अनुभूति की उसका जिक्र किए बिना वो रहे नहीं। आज भी उसका उल्लेख करते हैं। उनकी ये तस्वीरें भी हर भारतीय के मन में बस गई है। साथियों, बीते छह दशकों से अधिक समय में भारत की विकास यात्रा में जापान की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 21वीं सदी के न्यू इंडिया में ये रोल और मजबूत होने वाला है। 1958 में जापान ने अपना पहला येन लोन भारत को ही स्वीकृत किया था। 1958 में, इसके बाद से ही जापानी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं और उन्होंने उत्तम गुणवत्ता के लिए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। एक समय था जब हम कार बनाने में सहयोग कर रहे थे और आज हम बुलेट ट्रेन बनाने में सहयोग कर रहे हैं। आज पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारत का ऐसा कोई भाग नहीं है जहां जापान के प्रोजेक्ट्स या इन्वेस्टमेंट ने अपनी छाप न छोड़ी हो। इसी प्रकार भारत का टैलेंट और मैन पावर यहां जापान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान दे रहा है। साथियों, न्यू इंडिया में हमारा ये सहयोग और व्यापक होने वाला है। हम आने वाले पांच वर्षों में भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सोशल सेक्टर हमारी प्राथमिकता है, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी व्यापक इन्वेस्टमेंट, उस पर भी हमारा बल है। विशेष तौर पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत को आज पूरी दुनिया में निवेश के लिए एक आकर्षक अवसर के रूप में सामने रखता है।
भारत में डिजिटल लिटरेसी आज बहुत तेजी से बढ़ रही है. डिजिटल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड स्तर पर है. इनोवेशन और इंक्यूबेशन के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है. एक नया माहौल अनुभव आ रहा है. इसी के बल पर आने वाले 5 वर्षों में 50,000 स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम भारत को बनाने का लक्ष्य हमने रखा है. साथियों, अक्सर ये कहा जाता है कि स्काई इज द लिमिट. किसी जमाने में ठीक था, लेकिन भारत इस लिमिट से आगे आगे जाकर स्पेस को गंभीरता से एक्सप्लोर कर रहा है. भारत की 130 करोड़ जनता के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए सस्ती और प्रभावी स्पेस टेक्नोलॉजी हासिल करना हमारा लक्ष्य है. मुझे खुशी है कि हम सफलता के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं. हाल में फोनी साइक्लोन सहित अनेक चुनौतियों को भारत कम से कम नुकसान के साथ मैनेज कर पाया और दुनिया ने उसकी बड़ी सराहना की कि किस प्रकार से गवर्नमेंट मशीनरी, ह्यूमन रिसोर्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सब को मिलाकर के कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, वो भारत ने करके दिखाया. और वो भी एक तरफ पूरा देश चुनाव की आपाधापी में व्यस्त था, तब भी इस काम को उत्तम तरीके से पूरा किया और विश्व ने इसको सराहा है और इसे हमें हौसला मिल रहा है. यही कारण है कि कुछ महीनों में ही हम हमारे मून मिशन को आगे बढ़ाते हुए चंद्रयान 2 लॉन्च करने वाले हैं. साल 2022 तक अपना पहला मैन्ड मिशन गगनयान भेजने की तैयारी में हम हैं. और कोई हिंदुस्तानी तिरंगा झंडा वहां फहराए ये सपना लेकर के काम कर रहे हैं. स्पेस में हमारा अपना स्टेशन हो, इसके लिए संभावनाओं को तलाशा जा रहा है. ये जितने भी काम हम कर रहे हैं, आज हिंदुस्तान में एस्पिरेशन से भरा हुआ एक न्यू मिडिल क्लास, एक बहुत बड़ा बल्क सोसाइटी में जिसके सपने बहुत है, जिसकी आकांक्षाएं बहुत है, जिसको तेज गति से परिणाम की प्रतीक्षा है, उसके अनुरूप हम विकास की नई नई विधाओं को विकसित कर रहे हैं. साथियों, ऐसे समय में जब पूरी दुनिया भारत को संभावनाओं के गेटवे के रूप में देख रही है, तब जापान के साथ हमारा तालमेल भी नई ऊंचाई तय करने वाला है. मैं तो ये मानता हूं कि जापान की काइजन फिलॉसफी भारत जापान संबंधों की प्रगति पर भी लागू होती है. मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तो मैं मेरे सीएम के सब स्टाफ को एक काइजन की ट्रेनिंग दिलवाता था लगातार, क्योंकि काइजन की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया जो कभी रुकती नहीं है. हमारे संबंध लगातार बढ़ते रहेंगे, बुलंद होते रहेंगे. साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में यह मेरी जापान की 4थी यात्रा है. पीएम के रूप में सभी यात्राओं में मैंने जापान में भारत के प्रति एक आत्मीयता, एक अपनापन अनुभव किया है. अपनी सभ्यता और अपने मूल्यों पर गर्व करना,
टैलेंट और टेक्नोलॉजी को राष्ट्र निर्माण का हिस्सा बनाना और ट्रेडिशन के दायरे में बनाना, ये मैंने जापान में प्रत्यक्ष अनुभव किया है और ऐसा महसूस करने वाला मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी एक सदी पहले जब जापान की यात्रा की थी तो वो भी यहाँ की सभ्यता, जनता के समर्पण और वर्क एथिक्स से बहुत प्रभावित हुए थे। तब स्वामी विवेकानंद जी ने तो यहाँ तक कहा था कि हर भारतीय को जापान की यात्रा करनी चाहिए, लेकिन उस समय जरा जनसंख्या कम थी। अब ये तो संभव नहीं हो पाएगा कि 130 करोड़ लोग। खैर, हम भी मानते हैं, लेकिन 130 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि आप सब यहां पर हैं। आप जापान की बातों को, यहां के वर्क कल्चर को, वर्क एथिक को, यहां के टैलेंट को, यहां के ट्रेडिशन को, यहां की टेक्नोलॉजी को भारत पहुंचाते रहें और भारत की बातें यहां के जन सामान्य को सुनाते रहे। यही सेतु हमारी हमें नई शक्ति देता है, नित्य नूतन व्यवस्था में परिवर्तित करता है, संबंधों को प्राणवान बनाता है। ये रिचुअल्स नहीं है, एक जीवंत व्यवस्था है और जीवंत व्यवस्था जन सामान्य के जुड़ने से बनती है। अंत में मैं मेरी बात समाप्त करने से पहले आप सभी का, जापान वासियों का, भारत वासियों का और अपने सभी जापानी बहनों भाइयों के लिए मैं कामना करता हूं, नए रेवा एरा, रेवा युग में आप सबके जीवन इस युग के नाम के अनुरूप सुंदर हार्मनी हमेशा रहे। जापान में और विशेष रूप से कोबे में हर बार आपने जिस आत्मीयता से मेरा स्वागत, सत्कार और सम्मान किया है, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। शायद आपको पता चला होगा, इस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस था और भारत सरकार योगा के प्रचार प्रसार और विकास विस्तार के लिए काम करने वाली संस्थाओं को, व्यक्तियों को हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी उनको सम्मानित करती है, उनको इनाम देती है। आपको पता चला होगा इस बार जापान में योग के लिए काम करने वाली संस्था को भारत सरकार ने सम्मानित करने का निर्णय किया है। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। यानी हम हर प्रकार से जुड़ चुके हैं। इस गौरव के साथ फिर एक बार आप सबके बीच आने का मुझे मौका मिला, आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दो माँ अरिगातो गोजाइमस, धन्यवाद।